वेलकम टेन अकेडमी, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम देखने जा रहे हैं 10 मोस्ट प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। राजस्थान ज्योग्राफी के 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस हैं और आज हम उनको देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं अपनी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज राजस्थान डे सेलिब्रेटेड? 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को, 14 नवंबर को? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, वृहद राजस्थान दिवस 1949। 30 मार्च 1949 से 1949 30 मार्च से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949, ठीक है, वृहद राजस्थान दिवस के रूप में राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान? राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन सा है? तो ऑप्शन इज पीकॉक, गोडावण, कुक्कू मींस कोयल, स्वान या हंस। चार ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए कौन सा है। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान? मोर, गोडावण, कोयल, हंस, कौन सा है? राइट आंसर इज गोडावण। राइट आंसर इज गोडावण, ठीक है। गोडावण को जो साइंटिफिक नेम है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है इसमें, तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष, विच ईयर गोडावण वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान? ऑप्शन इज 1981, 1991, 1983, 1978। ऑप्शन बताइए। तो राइट ऑप्शन इज 1981। राइट ऑप्शन इज 1981। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में, ताकि उन लोगों का भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो भी उनकी कंप्लीट हो पाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक के वो देख पाए और गवर्नमेंट एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। सो प्लीज सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सौरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है, ए प्लेस कॉल्ड सौरसेन इज फेमस फॉर? सौरसेन नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? सो ऑप्शन इज गोडावण पक्षी की शरण, गोडावण बर्ड रेफ्यूजी, स्नेक सेंचुरी सर्प अभ्यारण्य के रूप में, पान की खेती, बेटल कल्टीवेशन, पावर प्रोजेक्ट। पावर प्रोजेक्ट के लिए फेमस है, किस लिए फेमस है? चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बताइए। सो राइट ऑप्शन इज ए, गोडावण पक्षी की शरण के लिए, गोडावण बर्ड रेफ्यूजी के लिए फेमस है। कौन सा स्थान? सौरसेन। सौरसेन नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? गोडावण बर्ड के रेफ्यूजी के लिए, गोडावण बर्ड रेफ्यूजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस को कहते हैं? तो ऑप्शन है कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावण, चिंकारा। चार ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर इज गोडावण, ठीक है। हु इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? गोडावण इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गोडावण जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ राजस्थान इज? ऑप्शन इज ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी खो खो। राइट ऑप्शन, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट्स कब से है? 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। महिला बास्केटबॉल अकेडमी जयपुर और बालक बास्केटबॉल अकेडमी, मतलब बच्चों की जो बास्केटबॉल अकेडमी है वो भी जयपुर में है, जैसलमेर में भी है। चाइल्ड चिल्ड्रंस बास्केटबॉल अकेडमी जयपुर और जैसलमेर में है, और महिला बास्केटबॉल अकेडमी कहां है? जयपुर में। और किस वर्ष इसको बास्केटबॉल गेम घोषित किया गया था? 1948। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? देखिए क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कभी नहीं छोड़ते हैं। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? इन विच ईयर बास्केटबॉल वॉज डिक्लेयर एज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ राजस्थान? किस वर्ष, अभी बताया मैंने। ऑप्शन इज 1984, बी इज 1958, सी इज 1948, डी इज 1953। सो राइट आंसर इज 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट्स बना दिया गया था। सो अगर आपके क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप एन अकेडमी को आर एस इसलिए कि राजस्थान गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं और नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, मतलब उनका 60-70% सिलेबस कवर हो जाता है, इसलिए इसको प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपना ही चैनल है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? व्हाट इज द कल्प ट्री ऑफ राजस्थान? ऑप्शन ए डाक ट्री, ऑप्शन बी साल ट्री, ऑप्शन सी खेजड़ी ट्री, ऑप्शन डी पलास ट्री। सो बताइए राइट आंसर कौन सा है। सो राइट आंसर इज खेजड़ी, सी। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान इज? राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है?
नीम, ऑप्शन ए नीम, बी खेजड़ी, सी पीपल एंड डी अल्डू. सो राइट आंसर इज खेजड़ी. राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है? खेजड़ी. राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है? खेजड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है? खेजड़ी. खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो वो अपन को देखना है. राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान? सो ऑप्शन ए इज टैकोमेला अंडुलेटा, ऑप्शन बी इज प्रोसोपिस सेनेरिया, ऑप्शन सी इज सिहिवग गुआ जावा, ऑप्शन फोर इज ओरिजा सतीवा. सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज प्रोसोपिस सेनेरिया. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. खेजड़ी का साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोसोपिस सेनेरिया. थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही. 10 क्वेश्चन अपन आज किए, 10 क्वेश्चन अपने पहले किए थे, टोटल 20 क्वेश्चंस कर लिए. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और क्वेश्चंस अगर याद हुए हों, कोई भी एक भी क्वेश्चन अगर आपको याद हो गया हो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे चैनल को बूस्ट करिए. ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे आने वाले दिनों में आपके लिए बेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा. थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब. Thank you.